पत्रकार वार्ता शुरू करने से पहले एक दुखद समाचार मिला है, उसका उल्लेख करना चाहूँगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी का आज देहावसान हो गया है और इस अवसर पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार को उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि उस क्षति को सहन करने का उनको एक ताकत मिले। आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश के जो कर्मचारी संगठन, श्रमिक संगठन, इन लोगों की कुछ मांगे लगातार मिल रही थी और उनसे बातचीत का एक क्रम बनाया था। इस बार पहली बार एक प्रयोग किया हमने कि सबकी मांगों के ऊपर पहले से मंगा करके विचार कर लिया गया था और उनसे इकट्ठे बैठा करके बातचीत की जाए और एक अच्छा अनुभव आया है कि सभी कर्मचारी संगठनों ने, श्रमिक संगठनों ने अपनी बात को सामूहिक रूप से भी कहा है। एक कुल मिलाकर प्रदेश के हित में पारदर्शी तरीके से सब लोगों से उनके अपने छोटे मोटे जो भेद हैं उनको मिटा करके ऊपर उठ करके बात करने में, जैसा हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं कि राजनीतिक मतभेदों को उठा भूल करके भी कई बार प्रदेश के विकास के लिए हम काम करते हैं, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इसी संदर्भ को ध्यान में रख करके ये प्रयोग किया गया और सफल प्रयोग हुआ। सब लोगों ने इसको सराहा भी है, सभी संगठनों ने इकट्ठे भी कुछ बातें रखी और फिर अलग अलग संगठनों की कुछ अलग अलग बातें वो भी उन्होंने रखी हैं। जो बातें हमने उनके सामने निर्णय कर दिए हैं वो भी कुछ आपके सामने रखेंगे। कुछ पर विचार करने के लिए समय भी अभी तय किया है कि कुछ दिन बाद उनको विचार करके फाइनल करेंगे। बहुत विषय तो ऐसे हैं जो पिछले 2017 से 2018 से अभी तक की जो मांगे हैं उनमें निर्णय काफ़ी पहले से कर लिए थे, वो भी सब उनको बता दिए हैं और मोटे रूप से कर्मचारी संगठन इस बात से संतुष्ट थे। कर्मचारियों में भी प्रदेश में एक अच्छी खुशी की लहर है कि इस सरकार ने जितने कर्मचारी हित के फैसले किए हैं पहले शायद ही किसी सरकार ने किए हों। आज जिन बातों का फैसला किया उसमें एक लंबित मांग थी, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जो मकान भत्ता, ये अभी पेंडिंग एक अलाउंस था। पिछले काफ़ी अलाउंस तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिए थे लेकिन ये अलाउंस अभी बाकी था। इसका भी विचार विमर्श करने के बाद डिपार्टमेंट की ओर से भी विषय आया कि हम इसको लागू करेंगे। तो 1 अगस्त 2019 से जो भी उनका HRA का अलाउंस बनता है वो सारा लागू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार एक्स ग्रेशिया की जो पॉलिसी है ये 1996 में इसको डिसकंटिन्यू किया था सरकार ने, किन कारणों से डिसकंटिन्यू किया होगा ये तो आज कहना उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार ये मांग थी कि एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी ये लागू की जाए। आज भले ही वो 23 साल के बाद लागू की है लेकिन उसको भी 1 अगस्त 2019 से ये लागू हो जाएगी। 1 अगस्त क्या, वैसे तो अब जब आज समाचार हो गया तो उसमें एक छूट दी है, जिस छूट के कारण से वो अभी से ही लागू मानी जाएगी। इसमें जिस कर्मचारी की आयु 52 वर्ष या इससे कम है और उसके 5 वर्ष या इससे अधिक सर्विस में पूरे हो गए हैं, ऐसे कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन का अधिकार रहेगा छांटने का, या तो शेष बच्चे 58 वर्ष तक की आयु का जो समय है उस समय की सैलरी उस परिवार को जैसा पहले से मिलती है उसकी ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर उनके परिवार का कोई भी डिपेंडेंट कोई व्यक्ति उसको नौकरी का हकदार होगा उसको नौकरी मिलेगी। एक उसमें थोड़ा प्रावधान और है कि उस परिवार का जो दूसरा कोई भी सदस्य यदि नौकरी में नहीं है तो अगर जॉब वो उसके बदले में नहीं लेते हैं तो उसकी सैलरी जो हो उसकी डेथ केस में जॉब में है तब भी, लेकिन उसके बदले में अगर जॉब किसी और को लेते हैं और कोई फैमिली में नहीं है जॉब करने वाला लेकिन मृत्यु होने पर अगर जॉब लेते हैं फिर सैलरी नहीं मिलेगी, फिर जॉब का जो उसको सैलरी वही मिलेगी। और ये जिन लोगों ने अभी मान लो डेथ के बाद अभी तक सैलरी का जो ऑप्शन अभी नहीं लिया है, अभी उनकी सैलरी चालू नहीं हुई है, पहले महीने की भी नहीं गई है,
उनको भी ऑप्शन दी गई है कि वो दोनों में से तो ऑप्शन ले सकते हैं। कैशलेस सुविधा का एक निर्णय बहुत पहले हमने कर लिया था कि 7 प्रकार की बीमारियां इनकी कैशलेस की सुविधा ये कर्मचारियों को हमने पहले दी थी, अब उसमें जोड़ दिया है कि जितनी भी इंडोर बीमारियां हैं, जहां भी इंडोर इलाज हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, वो सब कैशलेस में सुविधा में जोड़ दी गई हैं। एक इसमें आउटसोर्सिंग पार्ट 1 में जो महिलाएं कर्मचारी कार्यरत होती हैं उनको 6 महीने का जो प्रसूति अवकाश है उसकी सुविधा भी अब लागू की जाएगी, लेकिन आउटसोर्सिंग पार्ट 1 चूंकि किसी ठेकेदार के माध्यम से काम होता है तो ठेकेदार के ऊपर पड़ने वाला जो 6 महीने के वेतन का भार है वो सरकार वहन करेगी। राज्य के जो विभिन्न विभागों में जोखिम से संबंधित जो कार्य हैं उसमें फायर ड्राइवर हैं, लाइनमैन हैं, असिस्टेंट लाइनमैन हैं, फायरमैन हैं, सीवरमैन हैं, बॉयलर अटेंडेंट आदि, ये जो सर्विसेज हैं जोखिम ज़्यादा है और उसके कारण से काम के कारण से कहीं मृत्यु होती है तो उनको बिना प्रीमियम के 10 लाख रुपए का बीमा, ये एक सुविधा लागू की गई है। ये बीमा है 10 लाख रुपया, प्रीमियम सरकार भरेगी। इसी प्रकार सभी सफाई कर्मचारी, चाहे वो शहरी हैं चाहे वो ग्रामीण हैं, उनको भी मृत्यु के दौरान 10 लाख रुपए की ये जो बीमा है योजना, इसका लाभ भी उनको दिया जाएगा। PACS पैक्स प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, जो हमारा ये जो सहकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति, जो पहले कभी मिलती थी बाद में बंद हो गई थी, दोबारा से उनका रास्ता ये खोला गया है। जन स्वास्थ्य विभाग प्राइम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कच्चे ट्यूबवेल का ऑपरेटर, उनके वेतनमान में काफ़ी विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, वो विचार विमर्श करके उन विसंगतियों को दूर करेंगे। हरियाणा परिवहन का जो पिछले दिनों एक स्ट्राइक भी हुई थी और किलोमीटर स्कीम को लेकर के कई जो विषय आए थे, एक बात हमने स्पष्ट कर दी है कि किलोमीटर स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा, ये चलेगी। एक प्रकार से उनकी इस मांग को हमने हल किया है कि भाई ये स्कीम चलेगी। हाँ, जहाँ तक टेंडर हुए 510 बसों का हुआ, 510 बसों के टेंडर पर विजिलेंस एक इंक्वायरी बैठाई थी, उस विजिलेंस इंक्वायरी को स्वीकार कर लिया गया है, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। उन खामियों के आधार पर जो 510 बसों का टेंडर है उसको रद्द कर दिया है, और उस टेंडर में जो खामियां हुई जिसके कारण से कोई क्रिमिनल कोई दोष पाया जाएगा, चाहे वो टेंडर में शामिल होने वाले लोग, चाहे कर्मचारी अधिकारी हों, या टेंडर लेने वाले लोगों ने अगर कोई मिलीभगत करके कुछ किया है कि उसमें रेट का अंतर बहुत आया है, तो उनके ऊपर क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो होगी। और एक दूसरा टेंडर 190 बसों का, वो दोबारा हमने किया, वो काफ़ी कम रेट पर आया है, तो भी उस टेंडर के खुलने के बाद नेगोशिएशन उन लोगों से चल रही है ताकि रेट में कुछ और सहूलत मिल सके, तो उस को फाइनल किया जाएगा 190 बसों का। और आगे रोडवेज के बेड़े में 867 बसें और जोड़ी जाएंगी, 367 बसों का टेंडर हो चुका है, 500 बसों का टेंडर बहुत जल्दी और होने वाला है, तो ऐसी 867 बसें और उसमें जोड़ी जाएंगी। जो हमने कर्मचारियों के हित में जो निर्णय पहले किए हुए हैं वो सब भी उनको बताए हैं और वो आप लोगों को पहले बताए जा चुके हैं, फिर भी मोटे उसे बताना हो तो 7वां वेतन आयोग लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश था जिसने लागू किया, आज भी कुछ स्टेट्स ने 7वां वेतन आयोग अभी लागू किया नहीं है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में जो हमने एक एफिडेविट दिया था कि 40,000 गेस्ट टीचर्स को 2015 में नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसको भी हमने एक्ट बना करके और सरकारी नौकरी को में उनको रखेंगे, उनको बाहर नहीं निकालेंगे,
तो वो हमने एक जो इनके सिर पर तलवार अटकती थी उसको भी हमेशा के लिए हटा दिया था। समान काम समान वेतन, ये भी बहुत समय से मांग उठती थी, तो उसको भी हमने 3 नवंबर 2017 से लागू कर दिया है। और मैं समझता हूँ समान काम समान वेतन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था सैद्धांतिक तौर पर कि ये लागू होना चाहिए, तो उसमें भी हरियाणा पहला प्रदेश है और शायद हरियाणा ही अभी तक एकमात्र प्रदेश है जिन्होंने समान काम समान वेतन के आधार पर इसको लागू करके और बड़ी संख्या में लोगों को राहत दी है और उनको पक्का नहीं यानी उनको समान वेतन देना शुरू कर दिया है। कच्चे कर्मचारियों को सरकारी आदेश होने के बावजूद भी हमने किसी को हटाया नहीं है। अभी तक हमारी नीति यही है कि जितने भी कर्मचारी पक्के होते हैं यानी भर्ती किए जाते हैं, भर्ती करने वालों की संख्या जितनी ली जाती है उनको स्थानों पर रख करके शेष बचे स्थानों पर इन कच्चे कर्मचारियों को हम एडजस्ट करते हैं। अभी तक हमने किसी को हटाया नहीं है। इन्हीं कच्चे कर्मचारियों में से कुछ लोग रेगुलर हो जाएं, इसके लिए हमने अतिरिक्त अंक देने की व्यवस्था भी की है कि हर एक वर्ष के अनुभव पर आधा अंक, मैक्सिमम 10 वर्षों के अनुभव पर 5 अंक ये जो देने की बात की है, उसमें भी हज़ारों लोग कच्चे कर्मचारी अब पक्के हो गए हैं अर्थात उनको रेगुलर उनकी भर्ती हो गई है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर होते थे इनकी सैलरी समय पर नहीं जाती थी, तो हमने एक प्रावधान पीछे किया था, वो रेगुलर तरीके से चालू हो गया कि हर डिप्टी कमिश्नर के पास 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड रहेगा कि ऐसे कच्चे कर्मचारी किन्हीं कारणों से स्टेट ट्रेजरी से उनको पैसा रिलीज नहीं होता तो भी उनकी तकलीफ न बढ़े, उनको उस 1 करोड़ में से हर जिले में सैलरी देते रहें, बाद में उस पैसे को ट्रेजरी से भेज करके उस 1 करोड़ को पूरा कर दिया जाता है। पुलिस कर्मचारियों को भी सप्ताह में 1 दिन का अवकाश, ये भी हमने हरियाणा में ही पहले शुरू किया और बहुत एक संतुष्टि पुलिस कर्मचारियों में है कि रेगुलर जो 8 दिन 7 दिन की उनकी जो ड्यूटी होती थी उसमें 1 दिन की अतिरिक्त छुट्टी उनको ये मिलने लग गई है। 7वें वेतन आयोग जब शुरू हुआ तो ये तो पता ही है कि वो केवल सरकारी कर्मचारी पक्के कर्मचारियों पर होता है, लेकिन हमने आते ही निर्णय लिया था कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी एक वृद्धि के रूप में जो वृद्धि 7वें वेतन आयोग में 14.29% हुई थी, ऐसे सबकी जो एडॉक बेसिस पर सैलरी ले रहे थे उनको भी 14.29 की वृद्धि ज़रूर दी जाए और वो हमने सब में उनको दिया है, कोई किसी भी प्रकार का वो कच्चा कर्मचारी हो। कर्मचारियों का चिकित्सा भत्ता जो 500 रुपये था उसको 2018 में ही बढ़ाकर हमने 1,000 रुपये मासिक कर दिया था। कर्मचारियों का बाल शिक्षा भत्ता भी 750 रुपये से बढ़ाकर 1,125 रुपये ये मासिक किया गया था। ग्रुप डी कर्मचारियों का वर्दी धुलाई भत्ता 2018 में 240 से बढ़ाकर 440 रुपये मासिक किया गया था। ग्रुप डी कर्मचारियों का साइकिल भत्ता ये भी 100 से बढ़ाकर 200 रुपये किया था। सफाई कर्मचारियों का विशेष भत्ता 325 से बढ़ाकर 625 रुपये किया था। कई प्रकार के ऐसे भत्ते और जो मानदेय ये बढ़ाए थे उसमें विशेष उल्लेखनीय है कि चौकीदारों का मानदेय ये हमने 3,500 से बढ़ाकर सीधा 7,000 रुपया ये किया था। गांव में सफाई कर्मचारी उनका जो मासिक मानदेय है वो भी पहले शायद कम था, बाद में 10,000 रुपया हमने किया, अभी 11,000 रुपया कर दिया है। शहर का भी 13,500 रुपये तक कर दिया है। नंबरदारों का भी मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपया किया है जी। तो इस प्रकार बहुत सी सुविधाएं हमने कर्मचारियों को पहले से जो दी हुई थी उनकी भी सबकी चर्चा हुई, उल्लेख हुआ, कुछ विषय भी उनके पेंडिंग हैं लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक अनवरत चलने वाला काम है, कर्मचारियों की मांगें बहुत होती हैं। एक विषय का ज़रूर मैंने उल्लेख किया कि बार बार ये मांग उठती थी पंजाब के समान वेतनमान किया जाए। आज खुल करके चर्चा हुई कि बहुत विषय ऐसे हैं जिसमें पंजाब के अंदर वेतनमान हमसे कम है, किसी में ज़्यादा है, तो ये जो बार बार एक चूजी होकर के कि इस विभाग में तो पंजाब वेतनमान देख लिया जाए इसमें ना देखा जाए, तो ये उचित नहीं है। कई चीज़ों में पंजाब मानो
आगे हो सकता है, लेकिन कम चीज़ों में आगे है, ज़्यादा चीज़ों में पंजाब पीछे है। पेंशन स्कीम में पंजाब बहुत पीछे है, जैसे पेंशन की जो लागू करने का उनका आयु सीमा है, वो सर्विस का जो पीरियड है वो 25 वर्ष है, हमारे यहाँ 20 वर्ष है। उनका अधिकतम जो पेंशन की सीमा है वो 39,000 है, हमारे यहाँ 1,08,000 तक है। उनके यहाँ न्यूनतम 3,500 है, हमारे यहाँ 9,000 है। तो बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें हम गिना सकते हैं कि जहाँ तक वेतन मिलने की बात है, हम हर महीने हर कर्मचारी को वेतन देते हैं। कच्चे कर्मचारियों के लिए भी अस्थाई प्रबंध जो हमने किया है, 1 करोड़ रुपया डीसी के पास रख दिया है, ताकि कर्मचारी को महीने का महीने तनख्वाह मिलने में दिक्कत ना आए। और पंजाब का कभी कभी हम सुनते हैं कि वो 6-6 महीने भी सैलरी नहीं मिलती है, तो आवाज़ तो कभी कभी पंजाब में ये भी उठने लग जाती है कि कर्मचारियों का जो हरियाणा में जिस प्रकार की सहूलतें हैं, वैसी सहूलतें पंजाब में भी दी जाएँ, ये पंजाब का कर्मचारी मांग करने लग गया है। तो आज हमने सबसे निवेदन किया कि इस फ्रेज़ को कम से कम बंद कर दें। अब किसी भी तरीके से हमारे कर्मचारी पंजाब के कर्मचारियों से कई मामलों में आगे हैं, तो ये फ्रेज अब बंद होना चाहिए। और हर स्टेट का अपना अपना परिस्थितियाँ होती हैं, अपने अपने वहाँ कैडर होता है, अपने अपने प्रकार से सब आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाते घटाते हैं। कुल मिलाकर के कर्मचारी किस प्रकार से हमारे यहाँ संतुष्ट रहे, ये एक हम लोग अपने सामने टारगेट रखते हैं।